तो ये है प्रिंटेड मग्स और लंच बॉक्सेस, तो ये है ऑफिस बैग्स और लेडीज बैग्स, प्योर लेदर रुपीज। ये पेंटिंग बनाने में कितना टाइम लगता है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे भी हैं। तो आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगे ब्लैंकेट्स, पिलोज, कंफर्टर्स, बेडशीट। हेलो, हाय एंड नमस्ते, कैसे हो आप सब? तो मैं असीम अग्रवाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल अग्रवाल होम पे। ये है मेरा पहला व्लॉग जो कि होगा फर्निशिंग के ऊपर। तो मैं हूँ अभी साउथ एक्सटेंशन पार्ट वन में, जो आकाश इंस्टीट्यूट है उसकी बैक साइड पर। यहीं पास में हमारा एक और शोरूम है बाय द नेम अग्रवाल होम सेंटर, पर उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया है कि आज हम फर्निशिंग के बारे में बात करेंगे। तो जिन लोगों को फर्निशिंग के बारे में नहीं पता है, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फर्निशिंग में हमारा जितना भी सोफा क्लॉथ होता है, पर्दे होते हैं, डोर मैट्स होते हैं, आर्टिफिशियल ग्रास होती है, और जो फ्लोरिंग्स होती हैं, तो ये सब चीज़ें जितनी भी हैं ये सब चीज़ें फर्निशिंग में आती हैं। तो आज 26 जुलाई दैट इज़ फ्राइडे से लेकर 28 जुलाई दैट इज़ संडे तक एक एग्जीबिशन लग रहा है प्रगति मैदान में। तो आज हम वहीं जाएंगे और फर्निशिंग के बारे में जानेंगे, थोड़ी नॉलेज लेंगे और देखेंगे कि आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लगभग 3 बज रहे हैं और हम अभी 15 से 20 मिनट में निकलने वाले हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर अभी तक आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लीज पहली वाली वीडियो देखना मेरी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अभी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो प्रगति मैदान के लिए निकलते हैं, अब वहीं मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। A few moments later. फाइनली मैं यहाँ पहुंच गया हूँ और मैंने अपना आपको रजिस्टर भी करा लिया। ये रहा मेरा गेट पास। तो अभी थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला है कि इन्होंने होम डेकोरेशन, गिफ्ट्स और जो फर्निशिंग है, इन तीनों को कंबाइन करके एक ब्लॉक में स्टॉल्स लगा दिए सारे। तो ऐसे कोई सेपरेटली कोई स्टॉल्स नहीं है, सब कुछ कंबाइंड है। तो देखते हैं क्या होता है। ऊपर से यहाँ पे फोटोग्राफ्स लेना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, तो बहुत ज़्यादा देखकर फोटोग्राफ्स लेनी पड़ेगी। कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा मैं कैप्चर कर पाऊँ, जो जो मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा यूनिक लगेगा, कुछ नया लगेगा, उसके बारे में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो फाइनली अब मैं अपने पहले ब्लॉक की ओर जा रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होगा। तो हमने स्टार्ट किया था कुछ प्रिंटेड मग्स, लंच बॉक्सेस और सिपर्स से। उसके बाद हम गए थे बैग्स के स्टॉल पर, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे तरह के बैग्स थे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो ये बैग्स हैं इनकी रेंज स्टार्ट हो रही है ऑलमोस्ट 199 से और अप टू इनके पास 2 लाख रुपए तक के बैग्स हैं। तो जो ये आप सुंदर सी मूर्ति देख रहे हैं, इसका प्राइस है 75,000 रुपीज और ये 4 फीट टॉल है। तो उसके बाद हम पहुंचे थे एक स्टॉल पर जहां पे लाइव प्रिंटिंग हो रही थी टी शर्ट्स पर। उन्होंने हमें काफी सैंपल्स दिखाए। तो ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रिंटेड टी शर्ट। उसके बाद हम फाइनली पहुंचे फर्निशिंग पे। तो यहाँ पे थे कुशन्स, पिलोज, बेडशीट्स, टॉवल्स। ये है कुछ लैपटॉप बैग्स जिनकी स्टार्टिंग रेंज है 450 रुपीज। तो ये है कुछ कस्टमाइज्ड बैग्स, टॉवल्स और कुशन्स। तो कस्टमर की जैसी प्रेफरेंस होगी ये वैसा उसको प्रिंट कर देंगे। फाइनली मैं पहुंचा फ्लोरिडा के स्टॉल पर। तो इनके पास थे कंफर्टर्स, ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स, पिलोज।
ये है कुछ ब्लैंकेट्स और ये है कुछ बेडशीट्स। उसके बाद एक मैंने बहुत अमेजिंग चीज़ एक्सपीरियंस करी, इस भाई के एफर्ट्स देखकर मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया। तो मैंने इनसे बात की और पूछा कि कितना टाइम लग जाता है पेंटिंग्स बनाने में, तो उन्होंने कहा डिपेंड करता है पेंटिंग टू पेंटिंग, लगभग 3 से 4 दिन लग जाते हैं। उसके बाद एक मैंने बहुत छोटा सा बैग देखा जिसकी हाइट थी ऑलमोस्ट 3 फीट और ये नॉर्मल बैग से 3 टाइम्स बड़ा था। उसके बाद देखा मैंने कुछ गिफ्ट आइटम्स, ट्रॉफीज, मोमेंटोज, ये थी कुछ हाई एंड और लग्जरी बेडशीट्स। और ये है डिजिटल प्रिंट में कंफर्टर जिसकी MRP है अप्रॉक्सीमेटली 3000 रुपीज। ये ऐसी पैकिंग में आता है, आप लोग देख सकते हैं। फाइनली मैं पहुंचा स्लीपवेल के स्टॉल पर। तो ये है नेक केयर पिलो जो कि हम ट्रैवलिंग में यूज़ करते हैं, इसमें मेमोरी फोम यूज़ होती है और इसका प्राइस है ऑलमोस्ट 900 रुपीज़। और यहाँ मुझे मैट्रेस प्रोटेक्टर, बेडशीट्स, कंफर्टर्स, ब्लैंकेट्स, नेक केयर और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। ये और वैरायटीज़ हैं उन सब चीज़ों की। तो फाइनली 6 बज गए हैं और यहाँ पे अब सब कुछ वाइंड अप होने लग गया है, लोग अब जा रहे हैं। तो यही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।